उद्योगपतियों का घर बनने से, देश को कंगाल करने से, वो देश के लिए सोच रहे हैं, तो वो आतंक फैलाने का काम जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का। बिगाड़ सकता है वो, लेकिन कोई देश में ये नहीं कह के जाएगा कि धनेश्वर महतो था तो सच्चाई की आवाज नहीं उठाई। हम जीते हैं सच के लिए और मरेंगे भी सच के लिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोदी से सच्चा कोई है इस देश में? मोदी से बड़ा फ्रॉड ही कोई इस देश में नहीं है, जो घर वाली छोड़ के भाग जाए और दूसरों को कहे कि भाई हम आपकी, ये मुसलमानों को कहे कि हम देखो तीन तलाक से आपको बचाए हैं। अरे अपनी घरवाली को जो आदमी इंसाफ नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? ये तो पर्सनल है ना उनका। अरे क्या पर्सनल है, कुछ पर्सनल नहीं होता नेता का। यदि आप अपनी घरवाली को नहीं रख पाए तो आप देश की जनता को क्या संभालेंगे? घर परिवार किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, आपने याद दिला दिया भगवान बुद्ध, वो एक राजा थे, गद्दी को लात मार के चले गए ज्ञान प्राप्त करने। उन्होंने सन्यासी जीवन जिया, और जो व्यक्ति सत्ता के लिए घर परिवार छोड़ दे उससे गंदा व्यक्ति तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। अरे जो आदमी एक दिन अपनी माँ भी स्वर्गवास हुई है उनकी, उसके लिए जिसने 9 महीना कोख में रखा उसके लिए एक दिन नहीं दे सका, वो व्यक्ति राजनीतिक रोटी। भैया मेरा भाषण अभी सुनो, पहले राष्ट्र पहले, परिवार के लिए थोड़े जीते मोदी जी, देश पहले है ना। तो नीरव मोदी क्यों देश से भाग गया? बीजा किसने दिया? विजय माल्या को किसने बीजा दिया? निहल चौकसी को किसने दिया? और 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का क्यों माफ किया? देश के लिए उद्योगपतियों को क्या जरूरी है भाई पैसों की? आम गरीब आदमियों को जरूरी है। उद्योगपतियों का घर भरने से, देश को कंगाल करने से, वो देश के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और दो यार उनके हैं, ये अडानी और मुकेश अंबानी, इसके लिए। और मीडिया चाहे जितनी भी ढोल पीट ले, जितने भी नेशनल न्यूज हैं अडानी और मुकेश अंबानी के हैं, तो सारे न्यूज चैनल वाले मोदी की भक्ति करते हैं, समझ गए। और यदि देश में कोई आतंकवादी है तो वो आतंक फैलाने का काम जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं, और ये बुरे दिन की पहचान है। अपने समाज को एक कर रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं ना वो राजपूत को एक कर रहे हैं। क्या कर लेगा ये राजपूत? अब वो युग लद गए। और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना, तो क्या कहते हैं वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याहता, समझ गए। ये सब कहने की बातें हैं। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, क्या हो गया हिंदू की बेटियों को? चलिए मेरे गांव में आपको दो मुस्लिम लड़की हिंदू लाया शादी करके, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे कि घर वापसी हो गया? अरे फालतू फंड की नौटंकी है यार, इनसे किसी का कुछ। हर आदमी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र भारत में हर आदमी को अधिकार है मैं किससे शादी करूंगा नहीं करूंगा। ये कौन होता है डिसीजन लेने वाला? देखिए हमारे देश में जरासल शिक्षा का बहुत गहरा अभाव है। जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलनी चाहिए वो हमारी सरकार देने में विफल रही है। यदि बेहतर शिक्षा स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जिस दिन मिलना चालू हो जाएगा उस दिन देश के हालात सुधर जाएंगे। मोटा सा आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या 7 साल में खराब हुए? हाँ,
6000 स्कूलें बंद हुई है ना गुजरात में, उस पर क्यों नहीं पूछते हो जाके उस सरकार से? पूछना चाहिए ना।